प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस चुनाव रैली में पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की कमियां लोगों के सामने रख दी। साइबर सिटी की लहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी जहां कर्नाटक सरकार पर हमला बोल रहे थे, वहीं उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत पर खिलाड़ियों के साथ साथ कोच राहुल द्रविड़ को बधाई दी। उन्होंने द्रविड़ की ईमानदारी और लगन की तारीफ की। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल द्रविड़ ने हमें ईमानदारी से काम करने और दूसरों के लिए जीना सिखाया है। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में कोच राहुल द्रविड़ का अहम योगदान बताया। उन्होंने कहा कि अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप में जीत हासिल कर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया। हर हिंदुस्तानी को इस बात का गौरव है। इस जीत के पीछे कोच राहुल द्रविड़ का हाथ है, इसलिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बेहद कम है। उन्होंने द्रविड़ की प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल द्रविड़ जैसे लोग हमें ईमानदारी और लगन से अपना काम करना सिखाते हैं। उनकी मेहनत का ही फल है कि आज हमने वर्ल्ड कप में जीत हासिल की। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।